बहुत स्वागत है आपका इस नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूं कि जनपद शॉपिंग के प्रीवियस एपिसोड्स आपको पसंद आए होंगे। वैसे अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो इस वीडियो के आखिरी 20 सेकंड्स में भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने सोचा कि कनॉट प्लेस के इनर सर्कल की कुछ अच्छी सी शॉपिंग अट्रैक्शंस आपको दिखाई जाएं। तो चलिए देखते हैं। कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग वेंडर लगे वो थे ये भाई साहब जिनके पास थे ये स्टोल्स और साथ में काफी अच्छे शो पीसेस। ये जो स्टोल्स आप देख रहे हैं इनका रेट जो मुझे बताया गया वो थे 450 से लेके 650 के आसपास, और ऑब्वियसली बार्गेनिंग तो आप कर ही सकते हैं। तो अगेन ये कुछ अलग अटके डिजाइन थे जो मैंने सोचा आप तक पहुंचाए जाए। कनॉट प्लेस इनर सर्कल में जो एक और इंटरेस्टिंग वेंडर मुझे दिखे उनके पास थे ये बहुत ही ब्यूटीफुल लेडीज की एक्सेसरीज और ऑर्नामेंट्स। अब ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो इमिटेटिंग ज्वेलरी इनके पास थी काफी अलग हटके थी। इनसे मैंने जब रेट पूछा तो मुझे बताया गया कि ये जो आप रिंग्स देख रहे हैं ये हैं तकरीबन 150 से लेके 250। नॉट अ बैड डील। बहुत ही लेटेस्ट डिजाइन और यूनिक डिजाइन मुझे इसमें लगे एंड दैट इज द रीजन ये अट्रैक्शन मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो अगेन इनर सर्कल और इनका जो लोकेशन है वो है विल्स लाइफस्टाइल स्टोर के ठीक सामने। तो इन भाई साहब से आप जब भी मिलें ये ब्यूटीफुल ज्वेलरी आप खरीद सकते हैं। इन नेकलेसेस का रेट तकरीबन 350 यूएस के आसपास मुझे बताया गया एंड ऑब्वियसली बार्गेनिंग कला का इस्तेमाल आप जरूर कीजिए और जो भी आपको बेस्ट रेट मिलते हैं डू नॉट मिस दिस ज्वेलरी ब्यूटीफुल वन। कनॉट प्लेस में शॉपिंग के बाद अगर आपको स्नैक्स मिल जाए विद मिल्क शेक नथिंग लाइक दैट, ऐसी एक मशहूर शॉप में मैं आपको लेके चल रहा हूँ जिसको पहले केवेंटर कहा जाता था लेकिन अब इसका नाम है आरकेएन कंपनी। तो चलिए इसमें ऐसा खास क्या है देखते हैं। जी तो अभी मैं हूँ राजीव चौक में कनॉट प्लेस में ए ब्लॉक में और मिल्क शेक के साथ। फिर बता रहा हूँ दिल्ली में सर्दी काफ़ी है बट सर्दी में मिल्क शेक पीने का एक अलग ही थोड़ा मज़ा है और मैंने मिल्क शेक लिया है। पहले से केवेंटर कहा जाता था, अब केवेंटर की ब्रांचेस डिवाइड हो गई हैं बट दिस इज़ ए ब्लॉक या ठीक कॉर्नर वाला जो है इनका शॉप है। मिल्क शेक्स और अगेन स्नैक्स सैंडविचेस वगैरह बहुत अच्छे हैं, ये भी हम लोग बचपन से यहाँ पे पीते आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि बचपन के फ्लेवर्स को ही इस एपिसोड में मैं एक्सप्लोर करूँगा। वैसे क्या वैसे ही हैं फिर भी मैं एक बार टेस्ट करता हूँ। परफेक्ट, ठंड बहुत है और ये भी चिल्ड बहुत है, सुपर डुपर कॉम्बिनेशन। दिल्ली की सर्दी बहुत मशहूर है और इनका मिल्क शेक भी काफ़ी मशहूर है। सो अगेन इस मिल्क शेक को ट्राई कीजिए। 80 रुपीज़ का ये मिल्क शेक है, अगर आप इसमें आइसक्रीम डलवाते हैं तो 130 रुपये का है। तो 80 रुपये का प्लेन मिल्क शेक आइसक्रीम के साथ में ये 130 रुपये का है। जब भी आएँ ए ब्लॉक कनॉट प्लेस में इसे ज़रूर ट्राई करें। इसके फ्लेवर्स भी काफ़ी हैं, चॉकलेट मैंगो पाइनएप्पल लिया है मैंने, सो दिस इज़ पाइनएप्पल वनीला, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, आइए और इसको ज़रूर आप ट्राई करें, पेट काफ़ी अच्छा बढ़ता है इससे। उम्मीद करता हूँ कनॉट प्लेस इनर सर्कल का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले शॉपिंग फूड और ट्रेवल वीडियोज़ के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलता हूँ आपसे नए वीडियोज़ के साथ।
आपको बहुत सारा मनोरंजन और जानकारी देने वाले फूड, शॉपिंग और ट्रेवल वीडियोस को देखते रहने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले एपिसोड्स की जानकारी आपको मिलती रहे और ये आपसे मिस ना हो। तो देखते रहिए द एक्सप्लोरर राज।